हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर अब भले धीमी पड़ने लगी हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोविड की दूसरी लहर के प्रबंधों के साथ तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इन दिनों प्रदेश में नए संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में रिकवरी रेट एक सप्ताह में 5 से बढ़कर 86% जरूर पहुंच गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण ने प्रदेश के गांव में दस्तक दे दी है। गांव में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब ग्रामीण क्षेत्र का रुख कर लिया है और टीमों का गठन कर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का कार्य तेज कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित तमाम मंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद साइबर सिटी गुरुग्राम की कमान संभाली हुई है। रविवार को हिसार और पानीपत में 500-500 बेड के अस्पताल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में सेक्टर 38 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कोविड मरीजों के लिए वेदंता ग्रुप, गिव इंडिया तथा डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ के सहयोग से बनाए गए 100 बेड के अस्थायी फील्ड अस्पताल तथा सेक्टर 67 में M3M, CII, इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से बनाए गए 300 बेड क्षमता के कोविड केयर सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड मरीजों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में संस्थान और एनजीओ आगे आ रही है। कई स्थानों से संस्थाओं की ओर से सरकार को कोविड केयर सेंटर तथा अन्य सहयोग के लिए ऑफर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सभी संस्थान समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। उन्होंने कोविड मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर तथा अस्थायी फील्ड अस्पताल बनाने में सहयोग देने वाले सभी संस्थाओं, एनजीओ और उद्योगों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू सहित 17,500 बेड की व्यवस्था थी, जिसमें आज हिसार, पानीपत तथा गुरुग्राम के कोविड केयर सेंटरों को मिलाकर 1500 अतिरिक्त बेड जुड़ गए हैं। अब प्रदेश में कुल 19,000 बेड कोविड मरीजों के लिए हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि पहले हमें 152 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, जिसकी मात्रा बढ़कर 282 मीट्रिक टन हो गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं डोर टू डोर चेकअप के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8000 टीमों का गठन कर लिया गया है। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सोमवार को गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित राजकीय महाविद्यालय में हीरो ग्रुप और डॉक्टर्स फॉर यू संस्था के सहयोग से बनाए गए कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 100 ऑक्सीजन युक्त बेड का प्रबंध किया गया है, तो वहीं 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटरों की व्यवस्था की गई है। यहां मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की पूर्ति जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।